टैटूज होते हैं ना, PHMI का लिखवा दूंगा। साथ में होना वो अभी होगा। टैटू बनवा लिया, परमानेंट से नमाज नहीं होगी। स्पेलिंग क्या है मेरे नाम की? हां थी मायदा। दिया मदिया नाम से इतना बड़ा हो गया। किसको हटाएं? अल्कोहल पैड जिसने पकड़ लिया। अरे ज्यादा जोर से हो गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। आई होप आप सब ठीक होंगे। बस क्या करें, हमारे पास एक ही बहाना, एक ही बात है मेरे पास कहने के लिए कि यूट्यूब पे एक्टिव रहना बहुत मुश्किल है, तो रहा नहीं जाता, कहीं ना कहीं मैं बिजी था, तो आप लोग समझ तो गए होंगे। काफ़ी अर्से बाद मैं यूट्यूब पर वापस एक प्रैंक करने जा रहा हूँ अपनी बेगम के साथ, डॉक्टर मदिया के साथ, प्रायलोक में। अब मसला ये है कि जब भी मैं कोई प्रैंक का सोचता हूँ, कोई व्लॉग का सोचता हूँ, व्लॉग तो हो जाता है, लेकिन जब कोई प्रैंक का सोचता हूँ तो मुझे अपनी बेगम की जो कंडीशन, तबीयत है, वो जहन में रखनी पड़ती है कि यार ये चीज़ वो आजकल मैं बर्दाश्त कर सकी हैं या नहीं। सो आज जो मैंने सोचा है वो थोड़ा सा इजी सा है प्रैंक, मतलब उनके लिए ठीक है। सो आज ये प्रैंक करने जा रहा हूँ मैं मदिया के साथ। अभी मैं मदिया के साथ ही जा रहा हूँ एम्पोरियम मॉल। मैं वहाँ क्या करूँगा, मैं ना जो आर्टिफिशियल जो टैटूज होते हैं ना उसमें मदिया का जो स्पेलिंग होते हैं ना वो अपने हाथ पे लिखवाऊँगा, लेकिन MADIHA मदिया होता है, लेकिन मैं MAIDHA मायदा लिखवा दूंगा गलती से, और कहूँगा ओह स्पेलिंग मिस्टेक होगी, मैंने आपके लिए सरप्राइज़ दिया, ओह स्पेलिंग मिस्टेक होगी, और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होगा। मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होंगी इस चीज़ पर। लेट्स सी, आए चलते हैं। ये बैठी हैं मेरी बेगम, आप रेडी हैं? आप कब से खाना खाई जा रही हैं? बहुत भूख लग रही है। अच्छा, खाना खाना टिटी टिटी खाने 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 मैं खिलाऊंगा आपको। कैमरा ऑन करके ही खिलाएंगे। तो और क्या करूं, मैं ब्लॉग का पार्ट ले रहा था, बट मुझे तो दाल चावल मना है, ये मैं आपको खिला दे रहा हूं। आ शो सही है, खा लिया। अच्छा मुझे बताएं, रेडी हैं आप? चलें खिलाते रहे, चलें एम्पोरियम मॉल जी, चलें। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? शॉपिंग करने। आप कह रहे थे कि तुम्हें थोड़ा सा, तो एकदम आप एक्टिव हो गई, ये अपना पेट वेट फुल कर रही है, ये एक्टिव रह गए है आज, नहीं, तो मैं लूटूंगी शोर को। नहीं नहीं मेरी, आपको पता है ना थोड़ा कुछ हो रहा है, एक मसला। अच्छा एक बात मैं करोड़ दफा समझाई हुई, करोड़ आड़ मेरा अड़े अड़े अड़ गए, लेकिन लाखों अरबों दफा मैंने एक बात समझाई है कि जब भी आप अपना फोन छोड़ती हैं तो लॉक कर दिया करें आप उसको। ये ना हो कि किसी दिन आपने कॉल मिलाई हो किसी को और हम जो कन्वर्सेशन कर रहे हो और वो सुन रहे हो। नहीं, सो ख्याल रखें इस चीज़ का। चलें जल्दी खाएं और चलें। सो गाइस मैं इधर आया हूँ आर्टिफिशियल टैटू शॉप पे, जहाँ मैं लिखवाने लगा हूँ गलत नाम, आई मीन गलत स्पेलिंग। सो अभी यहीं लिखवाते हैं। ये मैं आर्टिफिशियल टैटू से नाम लिखवा रहा हूँ उल्टा मायदा, और ये अल्कोहल पार्ट से आराम से रिमूव हो जाएगा। ये खून अभी से निकल आया क्योंकि ऐसे कामों का ऐसे ही इंजाम होता है, गलत नाम लिखवाएंगे तो यही होगा। ये देखें जो हाल बाद में होना वो अभी होगा। ये भाई देख रहे हैं कि शायद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखवाया है, ये मेरी बीवी का नाम नहीं है सही वाला। ये मैंने नाम लिखवा दिया, ये अभी मैं पानी से वॉश करूँगा MAIDHA। ये मैं बिल्कुल खतरों से खेलने लगा और पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, बहुत बुरा होने वाला है मेरे साथ, लेकिन अभी मदिया नीचे। हम लोग घर आ गए हैं और मैं अब रिस्क लेने लगा हूँ, मदिया के साथ प्रैंक करने लगा हूँ, और मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा, और ये भी डर लग रहा है कि कहीं वो पहले ही ना मुझे पकड़ ले कि यार तुम प्रैंक कर रहे हो। जैसे हमेशा मैं कैमरा सामने रखता हूँ, इस दफ़ा मैं कैमरा सामने नहीं रखूँगा, मैं थोड़ा सा दूर रखूँगा, मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ कैमरा रखूँगा, मैं वही इस टाइम सोच रहा था कहाँ रखूँ।
सो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं रखूँगा कैमरा यहाँ, मदिया को बिठाऊँगा और कैमरा रखूँगा वो उधर छुपा के, जहाँ दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा जी, इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कर दूँगा 3x पे, ताकि इसीलिए क्लियरली नज़र आए। सो आएँ अब कैमरा सेट करके उन्हें बुलाते हैं। सो गाइस, कैमरा मैंने सेट कर दिया है और अब बारी है मदिया को बुलाने की। मदिया, मदिया बात सुने, विश मी लक। बात सुने, इधर आए ना, इधर आए, कहाँ कहाँ थी यहाँ, इधर आए, बब्बर शेर इधर, कैसी हो, ठीक हो, बब्बर शेर की तरह बोल के दिखाओ, करके दिखाओ, रॉड करके दिखाओ। मुझे ना इवेंट पे जाना है, चार्जर का इस टाइम जाना है, उस टाइम इवेंट पे जाना है, नहीं नहीं खुश हो जाएगी। गेस करें क्या होता है, गेस करें क्या हो सकता है, चढ़ाती हूँ। अच्छा बताएं क्या दिखाएं, क्या है मेरे लिए, क्या दिखाएं, कुछ भी नहीं लगाया यार, ये पॉकेट्स खाली हैं, पॉकेट्स खाली नहीं दिखता है। बताएं ना क्या हो सकता है, मेरे लिए आप लाए हैं, बताएं ना, अच्छा चॉकलेट लाए हैं या ट्रिप लेकर आए, अब ये मत बोलिएगा कि इसके अंदर मैं तुम्हें जो है ट्रिप पे लेके जा रहा हूँ, प्लीज इसको खोलने लंबी मत करें। ओ इसको कब खोले मेरा, अच्छा एकदम आपने ऊपर करना है इसको, नहीं बेशक कॉकरोच निकल जाए, मैं यहाँ कॉकरोच रखूंगा, 3-2-1 गो, शुंग। ट्रिप का है, अब इसको खोले, खोले ना, अच्छे ज्यादा हाथ भी खोलेंगे एकदम ऊपर, 3-2-1 ये हाथ रेड ही हो रहा है, आपने टैटू बनवा लिया, हाँ मेरे नाम का परमानेंट, परमानेंट, हाँ परमानेंट से नमाज नहीं होगी, गुनाह है, मुझे पता है, लेकिन आपसे प्यार में बहुत ज्यादा करता हूँ, मैं क्या करूँ, तो नमाज इसी के ऊपर नमाज पढ़ेंगे, आपके लिए बनवाया मैंने, ऐसा मेरा खून निकला, मैंने आपके लिए टैटू परमानेंट क्यों बनवा दिया, तो इसमें परेशान क्यों हो रही है, आपको खुश होना चाहिए, रेड हो रहा है पूरा हाथ, हाँ तो खून निकल रहा है, तो खून निकला है ना मेरा, और ये कैसा लगा सरप्राइज, मैंने कहा आपको हर चीज तो मैंने दे दी हुई, तो कुछ ऐसे कुछ यूनिक करूं जिसे आपको अच्छा अच्छा लगे, स्पेलिंग क्या है मेरे नाम की, ये कैसा सवाल है, स्पेलिंग क्या है मेरे नाम की, MAIDHA, हाँ तो मायदा नाम है मेरा, मदीना, शादी से पहले भी मुझे मायदा मायदा करते थे, कौन थी ये मायदा, क्या हो गया आपका नाम मदीहा, मेरा नाम, ये क्या किया उसने, मदीहा परमानेंट टैटू उसने गलत लिखवा दिए, नाम परमानेंट टैटू से आपने मायदा लिखवा दिया, ये मायदा कौन है, मदीहा लिखवाना था मैंने, जाए उतार कर आए, वो पागल लड़की है, मायदा लिखती है, इसको जाए उतार कर आए, मायदा कौन है, मैं कैसे के मायदा कौन है, मुझे क्या बताओ कौन है, आप बताए कौन है, मुझे क्या बताओ कौन, वो स्नैपचैट वाली मायदा, या जो मुझे भी जो शादी से पहले मायदा मायदा करते थे, वो स्नैपचैट पे जो मायदा आपको मैसेज करती थी, खाली कसम आप मुझे शादी से पहले मायदा नहीं कहते थे, हाँ एक दो दफा गए, कसम की आपने दो दफा नहीं, ऐसा जब कॉल पे बात होती थी, वो तो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात, हाँ वो आपका नाम
मायदा है ना? मायदा है कौन? मुझे क्या पता। आर यू सीरियस? लाइक कोई है मायदा तो मुझे बता दे। नहीं। स्नैपचैट पे उसी के मैसेज आते थे, वो आपके पीछे में आपके फैन। फैन इस तरह के मैसेजेस नहीं करते। और अगर ये नाम किससे लिखवाया आपने और ये लिखवाया कब है? और परमानेंट नाम लिखवाया, परमानेंट नाम लिखवा दिया, परमानेंट परमानेंट। यार वो लड़की बेवकूफ, उसने स्पेलिंग गलत लिख दी यार, मुझे तो परेशान हो रहा हूँ मैं, इसका क्या करूंगा। नाम भी आपने किसी लड़की से लिखवाया है, मतलब लड़की ने आपको टच किया ही होगा। तो क्या हो गया अगर कर दिया? तो क्या हो गया अगर कर दिया? मैं इस तरह की कोई चीज करती हूँ यार? उसने, मैं सोच में पड़ गया, मैं क्या अपना हाथ कटवा दूं, क्या करूं मैं? हाथ कटवा दें, क्योंकि ये नाम लिखा तो नहीं रह सकता ना ऐसा। हाथ अपना काट कर आ जाए। कैसे काट के आ जाऊं, क्या करूं? यहां से मैंने परमानेंट बनवाया आपके लिए। आप ये नहीं देख रही मेरी फीलिंग से, एक इंसान के शरीर में जब सुई चुभती है कितना दर्द होती है, और सोचे मशीन चली है मेरी। इसको मिटाए कैसे? मिटाऊं, दर्द हो रही, क्या कर रही हो? आपको लग रहा है फेक है? पानी से धो के देख लो। पानी से धो लो, थिनर मार लो, जो मार लो। कहां से धो? पानी से धुलवाए। कहां से? एक वॉशरूम से। पकड़ लो पानी, पानी पकड़ लो, आप पानी से मार के देख लो यार। वॉशरूम जाने की क्या जरूरत है आपको? ऐसा लगता हूं मैं आपको? ऐसा लगता हूं मैं यार? हद है, मैंने एक तो आपके लिए नाम लिखवाया, ऊपर से आप ऐसे दिया मदिया नाम से। दर्द हो रही है। क्या दर्द हो रही है? दर्द हो रही है। हटाएं इसको। कैसे हटाऊं मैं इसको? हटाएं कैसे? हटाऊं इसको? हटाएं। आ मदिया, आपको मैं झूठ लग रहा है आपको? ऐसा इसको हटाएं। मदिया मदिया आप पागल है? यहां से क्या तू हटाएं? अच्छा इस ग्लास को उधर रखें, ग्लास को उधर रखें। मैं कह रही हूँ उसको हटा। ये ले हटे। मैं कैसे हटाऊं? किसको हटाएं? मदीहा ये क्या किया हमने? आप इस नाम को हटाएं। यार मेरी पैंट गीली कर दी, क्या बदतमीजी है? मैंने जान के किया है। आपने जान के किया है। उस लड़की ने अगर मेरा ये मायदा लिख दिया, और ऊपर से किसी लड़की से नाम लिखवाया है, तो क्या हो गया अगर लड़की ने मुझे टच कर दिया, बेड गीला कर दिया, सारा फर्श गीला हो गया? आपकी दो दिन से मैं आपका बिहेवियर देख रही हूँ। मुझे एक बात का जवाब दो, मैं आपको अच्छी नहीं लगती ना? किसी और लड़की का नाम लिखवा के तो आप कवर कर रहे हैं पहले से। मैं किसी और लड़की का नाम लिखवाऊंगा, ठीक है? अगर मतलब रूम में उसने मेरा नाम लिख लिया तो मैं आके आपको सरप्राइज दूंगा। ये लो, मैंने किसी और लड़की का नाम लिखवाना होता ना तो यहाँ से अपने सीने पे लिखवाता और ढक के रखता उसे। यार मुझे इतनी दर्द हुई, अब ये खून मेरा अभी तक है। सोच रही है लेजर कहाँ से होता है, कौन से क्लिनिक से होता है? मुझे क्या पता, अभी सबर करो। उसने कहा इसको दो एटलीस्ट तीन चार महीने नहीं छेड़ना। ये तीन चार महीने उसने कहा नहीं छेड़ना। ऐसा यहाँ से उठ के चले जाए। कहाँ जाऊँ मैं? आपने किसी और लड़की का नाम लिखवाया, यहाँ से उठ के चले जाए। मैंने कब लिखवाया? नहीं तो ये नाम मिटा दे। कैसे ये नाम मिटा दे? कैसे कैसे मिटाते हैं? जी क्या पता कैसे मिटाते हैं? इस नाम को बताओ ना। मदिया मेरा हाथ सारा यार, मुझे पहले सारा गीला कर दिया यार, सारा आपने मुझे गीला। अच्छा अच्छा, अच्छा। बात तो सुने आप। अच्छा रिलैक्स तो हो। आपको मैं ऐसा लगता हूँ? नहीं मुझे आप ऐसे नहीं लगते, लेकिन ये नाम हटाए। अच्छा इधर तो देखो, मेरी तरफ तो देखो। नाम हटाए, यहाँ से जाए। आपको मेरे पे यकीन है? आप ये नाम हटाए, मुझे आप पे पूरा यकीन है। यार वो हम लड़की, उससे मैंने बात सुन हुआ पता की, मैं उसके बाद टैटू बनवाने गई हूँ। आप लड़की से टैटू क्यों बनवाने गए? यार उसके हाथ इतने नरम थे, मेरा दिल ही नहीं किया ना करने को। क्या हो, मैं जोक कर रहा हूँ। तो लड़कियों के हाथ नरम ही होते हैं। मैं करूँ ऐसा मजाक? मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया आपको? ना मुझे किसी अब डॉक्टर के पास जाना है, ना कहीं और जाना है, यहाँ से चले जाएं। जब भी टैटू हटेगा तभी हम अब किसी डॉक्टर को दिखाएंगे। किसी और लड़की का जिसका नाम लिखा ना, उसको आप डॉक्टर के पास ले जाएं। उसको मैं डॉक्टर पे क्यों ले और जाके चेंज कर लें।
जाए आपने मेरी साली पहन जाए जाके चेंज करें और उसके पास आराम से गाड़ी वाड़ी साफ अच्छा, करें एंजॉय अच्छा, मतलब चले जाएं। अच्छा बात तो सुन, इसके पास जाने से अच्छा सबसे पहले मुझे एक बात का जवाब दें, आपको लगता है कि मैंने परमानेंट टैटू बनवा सकता हूँ वो भी किसी और लड़की के नाम का? नाम तो आपने मेरा लिखवाने की कोशिश की है लेकिन आपने ट्रिक करना चाह रहे हैं आप मुझे। मैं आपको ट्रिक करना चाह रहा हूँ? हाँ आप कुछ मुझे जो है ना ट्रिक तो मैं वाकई करना चाहता हूँ, दिमाग में ट्रिक तो दर्द करना चाहते हैं। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ, अब बोलो। मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। अब सच रिलेशनशिप में इंसान सच बोलता है ना, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं धोखा दे रहा हूँ आपको। किसके पीछे? वो प्रैंक के पीछे। पहली टैटू है जान के लिखवाए ना और माइदा के ये स्पेलिंग नहीं होते, जो भी माइदा नाम की लड़की है उसको पता है ये स्पेलिंग नहीं होते। आपके दिल में वही बैठा होता ना माइदा जो आप मुझे शादी से पहले बोलते थे। ये जो आपने मेरा हाल किया है यार, ये उस पे नहीं आ रहा। ये देखें, ये सारा पानी, ये सारा पानी, ये सारा पानी, और ये है मेरी बेगम। अब मैं उधर भी कैसे आऊँ, मेरे सॉक्स गीले हो जाएंगे। नहीं कर अच्छा साथ ही साथ ही। अच्छा एक बात सच है, वो झूठ नहीं बोल सकता, लड़की ने नाम लिखा। तो क्या हो गया कि लड़की ने नाम लिखा? अब मुझे एक बात सिर्फ ठीक, तो क्या हुआ अगर मैं भी अभी किसी लड़की से टैटू बनवाऊंगी? काफी अरसे से बैठे हुए थे, मैंने सोचा कि क्यों ना एक मिनट दो भाई आप ये नाम हटा दें। काफी अरसे से बैठे हुए थे, मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा नाम हटा दें। ये हटाएं, अगर ये हटेगा ना तो हटाएं, ये नहीं हट सकता। मैं चिढ़ूंगी क्योंकि मेरे पास इसका सोल्यूशन ही, मुझे बताओ आप। अल्कोहल पैड्स है हमारे पास? नहीं, उससे ही हटेगा। नहीं आप इसको हटाएं, आप नई गलती से भी नाम नहीं लिखवा सकते आप किसी लड़की का कभी। हंस क्यों रहे? मैं आपकी बात पे हंस रहा हूँ कि आप, आपको ये लगा कि मैंने परमानेंट टैटू बनवा लूंगा, मुझे मेरे पापा ने कैसे निकाल लेना? आपको पापा, मेरे पापा से चुके आप ये चेन भी तो पहनते थे। कौन सी चेन? तो मैंने कहा शायद आप में भाई मोहब्बत जाग जाती है ना इंसान की। नहीं इतना मैं पागल नहीं हूँ, इंसान की मोहब्बत जाग जाती है। मेरे में अल्लाह है ज़हन में, मुझे पता है कि तो वो जो मना है हमारे प्लान में, तो वो जो वो जो वो जो वो जो क्या वो जो वो जो वो जो आप मुझे शादी से पहले मायदा बोलते थे वो क्या था? वो सच है। हाँ, वो मैं वो तभी तो मैं चुप हो गया था। लड़की के मैसेज आते थे जो बोलती थी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ मुझसे मिलना है, और आप मुझे यूं करके देखते थे कि नहीं मैं नहीं जानता इसको। हाँ तो क्या हो गया? अगर मैंने तो ऐसा फैन रिप्लाई किया था ना उसको, किया तो था ना ऐसा। मैं कसम से मैं और एक्सट्रीम कर सकता था इस प्रैंक को, मैं इस एग्जैक्टली मैं इस प्रैंक को और खींच सकता था, लेकिन मैंने कहा आपकी कंडीशन मैंने देख के आपको भी इंजेक्शन लगवाने भी जाना है। मुझे ये बताना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा हो सकता है? ये इसको अल्कोहल पैड से मुझे उतरवाना ही है। अच्छा ये हटाए ना किसी तरह, मुझे अल्कोहल पैड मेडिकल स्टोर। और जो ये आपने किया ये पानी, ये अभी मैं आपको दूसरी जो प्रेस की थी ना पैंट वो दूंगी। ये और ये कौन साफ करेगा? हो जाएगा साफ। ये प्रैंक करने के बाद एहसन को खुद से पोछा लगाना पड़ रहा है क्योंकि काम वाली सो चुकी है। कोई हाल नहीं, आपने मतलब क्या सोच के, मुझे लग रहा था मेरे मुंह पे पानी फेंक दूंगी। हाथ पे टैटू बनाया था तो हाथ पे पानी फेंकना था, ये वैसे हटा दे मुझे। मैं ना अब चीख सकती हूँ, मैं सोचती हूँ मैं आपसे ना बदला लूं। प्रैंक करोगी? नहीं मैं आपके साथ कुछ इस तरह से करूँगी आपको मजा आए फिर कि अच्छा, कैसा फील कैसा होता है। फॉरन सॉरी अच्छा, मैं आपको फील करवाना चाहती हूँ। ये रख दे साइड पे, वो सुबह आके कर देगी। थक गया। सन हाँ जी, नहा कर आए दिखाएं। क्या उतरा है? नहीं उतरा, ये उतर जाएगा। अभी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, ये अल्कोहल पैड्स फिर लगा के उतारूंगी। आप मजाक कर रही हैं? आप माइंड तो नहीं करेंगे? आपको लग रहा है कि मैं ये परमानेंट अभी तक लग रहा है? तो अल्कोहल अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं ना। हाँ हाँ मुझे ट्रस्ट है, लेकिन अल्कोहल पैड्स हम लेंगे ना।
लेंगे तो ऐसी बात है, मुझे उतार देंगे क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा मुझे। आपको अभी भी यकीन नहीं, मैंने कैमरा दिखा दिया, वीडियोस दिखा दिया, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। गाइस मैंने इनको जो वीडियो बना रहा था ना सारी बनते, वो वीडियोस भी दिखा रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस ये कह रही हूँ अच्छा नहीं, अच्छी अच्छा नहीं। चले मजिया, यहाँ अल्कोहल पैड जिसने पकड़ लिए, इसको अभी भी यकीन नहीं है कि ये फेक है। ये ऊपर करिएगा, करें खुद ही, ये तो तरी नहीं रहा, ये अल्कोहल पैड्स ही है ना। ये देखें उत्तर तो रहा है, अब यकीन आ गया। वेरी गुड, चलें बाकी गाड़ी में उतारेंगे। अच्छा ये जो आई है ना, आई ओ सॉरी सॉरी, ज़्यादा ज़ोर से हो गया, करीना का पूरी याद आ गई, ज़्यादा लंबा हो गया ना, ज़्यादा लंबा हो गया, उतर क्यों नहीं रहा आई मदीहा का।